Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 9th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट विल कवर फ्राम टूडेज न्यूज़ पेपर दो फर्स्ट आर्टिकल इजेंड फ्रॉम एडिटोरियल सेगमेंट इट इज अबाउट टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हाउ आर दे सेफ और हाउ डेंजरस दे आर दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फोर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट्स हमारे सिलेबस का एज इट इज हिस्सा है सबसे पहले समझते हैं वाटर टेबल टॉप एयरपोर्ट्स दिस टेबल टॉप एयरपोर्ट्स आर क्रिएटेड इन हिली एरियाज एंड दे आर क्रिएटेड बाय कटिंग द हिल्स एंड मेकिंग ए प्ले टू ओवर द हिल्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एयरपोर्ट जैसे कि आप देखो दिस इज अ हिल और इस हिल को अगर हम काटना शुरू कर दें इफ यू स्टार्ट कटिंग दिस हिल टॉप सो इट विल भी लाइक दिस इट विल बी फ्लैट नाओ देन इट विल भी नोन एज ए प्लेटू और इस प्लेटू का अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें जान एयरपोर्ट देन सेम प्लेटू विल भी नाव नोन एज टेबल टॉप एयरपोर्ट तो इस तरह के होते हैं टेबल टॉप एयरपोर्ट That are created as a result of cutting off the hill top region for the purpose of making airports तो देखो इसमें kuch चैलेंजेज हैं सबसे पहला चैलेंज है कि देखो इसका रनवे छोटा होता है ओवरऑल जो लेंथ हमें प्रोवाइड किया जाता है फॉर लैंडिंग और टेकिंग ऑफ ऑफ द फ्लाइट्स वो रनवे छोटा होता है तो इस कारण से स्कोप फॉर एयर इज लेस अगर जो भी लैंडिंग uh, का जो भी हमारा मार्क लाइन है अगर पायलट उसको थोड़ी भी मार्जिन से अगर मिस करता है तो हमेशा चांसेस बने रहते हैं एक्सीडेंट्स होने के क्यों, क्योंकि रनवे छोटा है जब लार्जर रनवे वाले एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे अगर थोड़े बहुत मार्जिन लाइन मिस भी हो जाए तब भी एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है और इस कारण से हाल फिलहाल में ये टेबल टॉप एयरपोर्ट न्यूज़ में क्यों है क्योंकि हाल फिलहाल में एक एयर इंडिया की एक्सप्रेस प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था इन कोजी कोट एयरपोर्ट एंड दिस एक्सीडेंट हैपन मेनली बिकॉज दिस कोजी कोट एयरपोर्ट इज अ टाइप ऑफ टेबल टॉप एयरपोर्ट और वहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन ऑफ एरर के कारण एक एक्सीडेंट हो गया एक प्लेन क्रैश हो गया दैट लीड टू डेथ ऑफ मोर देन ट्वेंटी पीपल इंक्लूडिंग बोथ द पाइलट्स इसी तरह का एक प्लेन क्रैस 2010 में भी हुआ था मैंगलोर सिटी के अंदर एंड मैंगलोर आल्सो इज ए काइंड ऑफ टेबल टॉप एयरपोर्ट तो वहाँ भी इस तरह का एक्सीडेंट 10 सालों पहले हुआ था तो ये जो टॉबल टेबल टॉप एयरपोर्ट्स होते हैं दे आर वल्नरेबल और प्रोन टू प्लेन क्रैस इस तरह के टोटल पाँच टेबल टॉप रनवेज हैं या एयरपोर्ट्स हैं हमारे देश के अंदर वन इज इन मैंगलोर कर्नाटका कोजिकोड इन केरला लिंगपुई इन मिजोरम शिमला एंड कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश एंड पाकिोंग इन सिक्किम तो जैसा कि मैंने आपको बताया दीज टेबल टॉप एयरपोर्ट्स सारी न्यूज तो इससे रिलेटेड आने वाले एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपसे मेंस में अगर सवाल पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि टेबल टॉप एयरपोर्ट्स में वल्नरेबिलिटी क्या है वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं रनवे का लेंथ छोटा होता है इसलिए मार्जिन ऑफ एरर कम है और इस वल्नरेबिलिटी को या इस एक्सीडेंट प्रोन जोन को कैसे रिस्क फ्री बनाया जा सकता है हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स एट टेबल टॉप एयरपोर्ट्स तो इसके लिए कुछ एक स्टे देखते हैं क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एक कमेटी बनाई गई थी एयर मार्शल बीएन गोखले कमेटी जब ये मैंगलोर प्लेन क्रास हुआ था 2010 में उसके बाद ये कमेटी बनाई गई थी बीएन गोखले कमेटी और इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन सबमिट किए थे वट स्टेप्स कैन बी टेकन वट मेजर्स कैन बी टेकन टू अवॉयड प्लेन क्रैश एट टेबल टॉप एयरपोर्ट सो तीन मेजर सजेशंस थे पहला सजेशंस था अवॉयेंस ऑफ द डाउनवर्ड स्लोप इन द ओवर सूट एरिया तो समझते हैं आखिर यह सजेशन है क्या इस फिगर की मदद से समझते हैं देखो ये अगर रन वे है तो उसका एक पर्टिकुलर ओवर सूट रीजन होता है देखो ये रनवे मार्क हो गया यानी कि जब फ्लाइट यहाँ से हमारी टेक ऑफ करने के लिए चल रही है तो इसको मैक्सिमम यहाँ जाने के बाद टेक ऑफ कर लेना है उसको इससे आगे नहीं जाना ये जो आगे वाला एरिया है जो व्हाइट पैथ से हमने दिखाया है दैट इज़ नोन एज ओवर सूट एरिया मतलब इस फ्लाइट को यहाँ जाकर के रनवे मार्क से टेक ऑफ कर जाना है उसको ओवर सूट एरिया में नहीं जाना है फिर भी कभी कभार कुछ एक फ्लाइट्स ओवर सूट एरिया में गलती से चले जाते हैं तो ये जो ओवर सूट वाला एरिया है यहाँ पे स्लोप नहीं होना चाहिए ये पैरल होना चाहिए इसका डाउनवर्ड अगर स्लोप होता है तो होता क्या है कि हमारी फ्लाइट्स अगर गलती से ओवर सूट एरिया में चली गई और वहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप है तो वो स्किड कर जाती हैं सो दैट इज़ द प्रॉब्लम सो हमें अवॉइड करना है पहली रिकमेंडेशन है कि जो ओवर एरिया है वहाँ पर हमें स्लोप को अवॉइड करना है दूसरा रिकमेंडेशन है वी नीड टू मेक ग्राउंड अरेस्टिंग सिस्टम्स एट द टेबल टॉप एयरपोर्ट्स तो देखो ग्राउंड अरेस्टिंग सिस्टम्स कुछ इस तरह के होते हैं जो हमें ओवर सूट एरिया में लगा के रखना चाहिए अगर हमारी फ़्लाइट मान लो ओवर सूट एरिया में चली भी जाती है टेक ऑफ या लैंडिंग टाइम में तो कुछ कुछ डिस्टेंस पे इस तरह की ग्राउंड अरेस्टिंग सिस्टम होनी चाहिए जिससे हमारी फ़्लाइट को स्किड करने से बचाया जा सके जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं सड़कों पे वैसे ही आप समझ लो ग्राउंड अरेस्टिंग सिस्टम बनाए जा सकते हैं टेबल टॉप एयरपोर्ट्स पे ताकि हमारी फ़्लाइट्स को स्किड करने से बचाया जाए इन ओवर एरिया उसके अलावा तीसरा रिकमेंडेशन था विजुअल रेफरेंस सिस्टम टू अलर्ट द पायलट देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है टेबल टॉप एयरपोर्ट में कि पायलट को बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि उसको एग्जेक्टली कहाँ लैंड करना है क्योंकि रनवे का लेंथ कम है ना मार्जिन ऑफ एरर काफ़ी कम है तो उसको एग्जैक्ट रेफरेंस मिलना चाहिए एग्जैक्ट उसको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए कि वो कितने हाइट पे पर उसको कहाँ लैंड करना है इसके लिए उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए विजुअल रेफरेंस सिस्टम टू अलर्ट द पायलट वाई लैंडिंग ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस टू बी कवर्ड तो उसको हर एक सेकेंड पता लगना चाहिए कि वो कितने हाइट पर सात मीटर पे आठ मीटर पे छः मीटर पे, पे इस तरीके से हर एक सेकेंड उसको आ, टाइम में इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए थ्रू विजुअल रेफरेंस सिस्टम तब जाकर आई एम होपिंग टॉप एयरपोर्ट्स होते क्या और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एट टेबल टॉप नेक्स्ट आर्टिकल फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट गल्फ ऑफ कच्छ इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर थ्री इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू तो देखो रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग द न्यू मैप रिलीज बाई पाकिस्तान वो तो हम ऑलरेडी अपने न्यूज़ पेपर एनालिसिस जो हमने फिफ्थ अगस्त को देखी थी वहाँ हम कवर कर चुके हैं वहाँ मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान हैज़ रिलीज अ न्यू मैप एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू मैप पाकिस्तान ने पूरा जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के टेरिटरी की तरह दिखाया है उसके अलावा जो गल्फ ऑफ कच रीजन है उसको भी पाकिस्तान ने अपनी पाकिस्तानी टेरिटरी की तरफ बताया है सो so, दो ऐसे टेरिटरी हैं दो ऐसे रीजन हैं जिसको पाकिस्तान ने जो इंडिया के रीजन है इंडिया के टेरिटरी है लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपना सोवरेनिटी डिक्लेयर किया वन इज़ कोर्स द कश्मीर रीजन दैट हैज़ बिन डिस्प्यूटेड बाई पाकिस्तान एंड सेकेंड वन इज़ दिस क्रीक रीजन दैट इज़ इन कच रीजन ऑफ गुजरात दैट हीज बिन डिस्प्यूटेड बाय पाकिस्तान तो कश्मीर रीजन तो कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें तो हम यूएन के अंदर भी गए इसकी पूरी हिस्ट्री हम कई दफ़ा देख चुके हैं यहाँ पे हम सर क्रीक डिस्प्यूट देखेंगे जो यहाँ गुजरात रीजन में है इस आर्टिकल की मदद से लेटेस्ट कवर सर क्रीक डिस्प्यूट तो समझते हैं आखिर ये सर क्रीक है क्या ये देखो इस साइड में है ये हमने गुजरात और पाकिस्तान का बॉर्डर रीजन डिपेक्ट किया है तो यह है पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस ओके और दूसरे साइड में हमारा गुजरात का कच्छ रीजन ये है कच्छ रीजन ऑफ गुजरात और इन दोनों सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान और कच्छ रीजन ऑफ गुजरात के बीच में एक वाटर बॉडी है जो 96 किलोमीटर लगभग लंबी है और ये जो वाटर बॉडी है इसको हम कहते हैं सर क्रिक रीजन सर क्रिक क्योंकि ये मार्सी लैंड जैसा ये पूरी तरह से वाटर भी नहीं है पूरी तरह से ये लैंड भी नहीं है दल दल जैसा आप समझ लो तो और ये रन ऑफ कच्छ से जुड़ा हुआ है इंडिया के इसको बन गंगा भी कहते हैं बाद में ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव सर क्रीक के नाम के आगे इसका नाम सर क्रीक रख दिया गया इस वाटर बॉडी का ये जो वाटर बॉडी आप सिंध प्रोविंस और हमारे कच्छ के बीच में देख रहे हैं गुजरात के कच्छ प्रोविंस के बीच में आप देख रहे हैं अब एज यू कैन सी दिस सर क्रीक ओपन इन द अरबियन सी एंड इट डिवाइड्स द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ दो लाइन्स हैं एक है ग्रीन लाइन ये ग्रीन डॉटेड लाइन और एक है रेड डॉटेड लाइन अब ये जो लाइंस हैं ये दो uh, ये डिस्प्यूटेड रीजन में ड्रॉ किया गया है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो सर क्रीक एरिया है दैट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये पाकिस्तान मानता है कि दिस इज इंटरनेशनल बाउंड्री दिस ग्रीन लाइन इज कंसिडर्ड पाकिस्तान एज इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब सरल शब्दों में पूरा का पूरा सर क्रीक पाकिस्तान को बिलोंग करता है जबकि इंडिया का मानना है कि दिस रेड लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मतलब बॉर्डर बिटवीन सिंध एंड कच्छ तो इसका मतलब थोड़ा सा पार्ट पाकिस्तान को बिलोंग करता है और थोड़ा पार्ट इंडिया को बिलोंग करता है ये जो रेड लाइन है आप देख सकते हैं इट इज़ इन द मिडिल ऑफ दिस वाटर बॉडी सर क्रीक तो इसके बीचों बीच ये गुजरता है ये रेड लाइन जो इंडिया के हिसाब से बाउंड्री होनी चाहिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सो दिस इज द डिस्प्यूट ग्रीन लाइन इज कंसिडर्ड बाई पाकिस्तान रेड लाइन बाई इंडिया तो जरा देखते हैं आखिर क्या बेसिस है ग्रीन लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री डलेयर करने का पाकिस्तान आखिर ग्रीन लाइन को कौन से ग्राउंड पे जस्टिफाई करता है तो ट्वेंटी सेंचुरी में ये जो कच्छ वाला एरिया था दैट वॉज़ बींग रूल्ड बाई राव किंग्स राव रूलर्स और ये जो सिंध वाला एरिया था दैट वॉज़ अंडर ब्रिटिशर्स तो ट्वेंटी सेंचुरी में राव ऑफ कच्छ और ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ सिंध के बीच में एक अग्रीमेंट या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई रिगार्डिंग दिस बाउंड्री और उस अग्रीमेंट के हिसाब से जो राव ऑफ कच्छ और ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ सिंध के बीच में अग्रीमेंट साइन हुई थी उसके हिसाब से ये ग्रीन लाइन को बाउंड्री माना गया था इसी अग्रीमेंट के बेसिस पे पाकिस्तान इस ग्रीन लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री आज डिक्लेयर करना चाहता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और पूरा का पूरा सर्क्रिक ये जो एरिया है पूरा ये जो वाटर बॉडी है ये पूरा का पूरा सर्क्रिक पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो पाकिस्तान को बिलोंग करना चाहिए आप जरा देखते हैं कि आखिर इंडिया इस रेड लाइन को कैसे कौन से ग्राउंड पर जस्टिफाई करता है कि ये रेड लाइन होना चाहिए इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो देखो एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है थालवेग प्रिंसिपल कि अगर दो कंट्री के बीच में अगर कोई वाटर बॉडी है तो उस वाटर बॉडी को दो कंट्री के बीच में कैसे उस वाटर बॉडी के थ्रू इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री डिसाइड होनी चाहिए दैट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू थाल्विक प्रिंसिपल थाल्वेक प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर दो कंट्री है उसके बीच में कोई वाटर बॉडी है तो उस वाटर बॉडी को बीचों बीच डिवाइड कर दिया जाए फिफ्टी फिफ्टी डिवाइड कर दिया जाए तो ये देखो जैसे ये वाटर बॉडी है इंडिया का मानना है कि ये जो सर क्रीक है इट इज़ अ वाटर बॉडी तो इस वाटर बॉडी को आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू थाल्वे प्रिंसिपल जो कि इंटरनेशनल प्रिंसिपल है टू डिमार्केट इंटरनेशनल उंड्री टू तो प्रिंसिपल रेड लाइन इंटू टू हाफ बीशनल बाउंड्री शुड बी दिस रेड वन उससे आप देखो कि इंडिया को कुछ टेरिटरी मिल जाएगी सरक्रीक रीजन में जबकि पाकिस्तान का यह ग्रीन लाइन मान लिया जाए तो पूरा का पूरा सरक्रीक इंडिया के हाथ से निकल जाएगा अब दोनों ही कंट्री के बीच में 1965 में वॉर हो गया बिकॉज ऑफ दिस कच्छ एरिया पाकिस्तान ने दो फ्रंट पे पहले कच्छ एरिया में अटैक किया फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर रीजन में भी अटैक हुआ तो देखो तो दोनों कंट्रीज के बीच में जब वॉर हुई 1965 तो उस टाइम में फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हारोल्ड विल्सन ने कहा आप इन दोनों ही कंट्रीज़ को रिकमेंड किया सजेस्ट किया कि रादर देन गोइंग एट वॉर दीज टू कंट्रीज शुड गो फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल टू रिजॉल्व दिस कच डिस्प्यूट स्पेशली द सर क्रिक डिस्प्यूट एंड फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हारोल्ड विल्सन इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल इन नाइनटीन सिक्सटी एट टू रिजॉल्व दिस कच बॉर्डर डिस्प्यूट स्पेशली द सर क्रिक डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और इस इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का फिर डिसीजन आया जिसके हिसाब से नाइन्टी परसेंट ऑफ द सरक्रीक वॉज गिवेन टू इंडिया वॉज हैंडेड ओवर टू इंडिया वेल ओनली टेन परसेंट ऑफ द पार्ट वॉज हैंडेड ओवर टू पाकिस्तान तो मोर और लेस जो रेड लाइन है इंडिया ने सजेस्ट किया था इंटरनेशनल बाउंड्री की तरह वही एक्सेप्ट किया गया है एज इंटरनेशनल बाउंड्री अकॉर्डिंग टू दिस इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल दैट वॉज इस्टिश इन नाइनटीन सिक्सटी एट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अब जो पाकिस्तान ने नया मैप रिलीज़ किया है उस नए मैप के हिसाब से पाकिस्तान ने वापस से इस ग्रीन लाइन के बेसिस पे अपना नया मैप बना दिया है और ये पूरा का पूरा सरक्रिक पाकिस्तान की टेरिटरी बता दी है तो इसके हिसाब से पाकिस्तान इज अगेन गोइंग बैक और चैलेंजिंग द वर्डिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ 1968 वैसे भी पाकिस्तान की आदत है जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनस हैं उनके डायरेक्टिव्स को वो मानता नहीं है पाकिस्तान इज नोटोरियस फॉर दिस वैसे ही उसने वियना कन्वेंशन को भी वॉयलेट किया था इन कुलभूषण यादव केस जब इंडिया ने फिर पाकिस्तान को ड्रैक किया था इन आई तो पाकिस्तान एज ए हिस्ट्री ऑफ वायलेटिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स और एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल या डायरेक्टिव को वायलेट करते हुए पाकिस्तान ने वापस से सर क्रीक पे अपना क्लेम डिक्लेयर कर दिया है अब जरा देखते हैं कि आखिर सर सरक्रीक आपको देख के लग कि इतना छोटा तो पार्ट है और वाटर बॉडी है इसके लिए इतनी डिस्प्यूट हो क्यों रही है क्यों दोनों ही कंट्री इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट देखो फिर से देखो ये जो रेड लाइन है जो बीचो बीच है सर सरक्रीक का ये क्लेम करता है इंडिया क्लेम्ड बाई इंडिया डिस्प्यूटेड बाई पाकिस्तान इंडिया कहता है कि ये होने चाहिए इंटरनेशनल बाउंड्री जबकि पाकिस्तान कहता है कि ये ग्रीन लाइन होनी चाहिए इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब पूरा का पूरा सर क्रीक बिलोंग करना चाहिए पाकिस्तान को तो देखते हैं कि आखिर दोनों कंट्री के बीच में एक नैरो वाटर बॉडी के लिए इतना डिस्प्यूट है क्यों देखो ये नैरो वाटर बॉडी का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है दिस एरिया इज़ वेरी मच रिच इन फिशेस इट इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन एंटायर एशिया उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि दिस एरिया इज़ वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस चूंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट रहा इस एरिया में इस कारण से यहाँ का जो भी ऑयल एंड नेचुरल गैस है इसको कभी एक्सप्लॉयट किया ही नहीं गया कभी उसको निकाला गया ही नहीं तो इस कारण से यहाँ पर काफ़ी सारा ऑयल एंड नेचुरल गैस अभी भी इंटैक्ट है और उसको निकाला जा सकता है जिस भी कंट्री को एरिया उसको मिल जाएगा उसके कंट्रोल में वो इस ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकता है फिशिंग रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है उसके अलावा इस एरिया का स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है अगर इंडिया को ये पूरी की पूरी टेरिटरी मिल जाती है तो इंडियन नेवी इस एरिया में भी नेविगेट कर सकती है और इंडियन नेवी अगर इस एरिया में नेविगेट करेगी तो नेचुरली हम अपने बॉर्डर को बेहतर प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं अगेंस्ट पाकिस्तानी इंट्रूडर्स तो इस कारण से इंडिया के लिए इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है एंड दैट इज़ वाई इंडिया वॉन्ट्स दिस सरक्रीक टू बी अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया इंडिया वॉन्ट्स दिस रेड लाइन टू बी डिक्लेयर एज एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिस सेक्टर द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट इट इज अबाउट ब्लैक बॉक्स ऑफ एन एरोप्लेन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर पेपर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देखो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह ब्लैक बॉक्स होते क्या है दीज ब्लैक बॉक्स इंक्लूड्स अ सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप च इज यूज फॉर स्टोरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉजेज बिहाइंड प्लेन क्रास देखो इस तरह का एक ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है इसका नाम भले ब्लैक बॉक्स है लेकिन होता ही ऑरेंज कलर का है और इसके अंदर एक सॉलिड स्टेट की मेमोरी चिप रखी जाती है और उसमें होता क्या है कि जो भी कॉम्युनिकेशन होते हैं पायलट और को पायलट के बीच में वो सारे के सारे कॉम्युनिकेशन इस चिप के अंदर मेमोरी चिप के अंदर रिकॉर्ड होती रहती है और इस ब्लैक बॉक्स को इस तरह से सिक्योर करके बनाया जाता है इस तरह से प्रोटेक्ट करके बनाया जाता है कि अगर प्लेन क्रैश भी हो जाए उस केस में भी ये ब्लैक बॉक्स डिसइंटीग्रेट नहीं होता है ये ब्लैक बॉक्स इंटैक्ट रहता है तो अगर प्लेन क्रैश मान लो कभी हो गया फॉर सम अनफॉर्चुनेट रीज़न तो फिर इस हम ब्लैक बॉक्स को रिकवर करते हैं हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज रिकवर करती है इस ब्लैक बॉक्स को और फिर इसके अंदर की मेमोरी चिप को निकाल करके और पायलट और को पायलट के बीच के सारे कम्युनिकेशन को फिर हम सुनते हैं अंत अंत तक भी पायलट और को पायलट कुछ तो बात कर रहे होंगे कि प्रेशर कम हो गया या फ्लाइट का कंट्रोल नहीं आ पा रहा है या कोई इंजन काम नहीं कर रहा है वो सारी चीज़ों के कारण हमें पता चल जाता है द फैक्टर्स दैट हैज लेड टू दिस प्लेन क्रैश अब जरा ब्रीफली ये भी समझ लेते हैं हो सकता है हमसे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लें या मेन्स में पूछ ले कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स इंटैक्ट रहता कैसे है इतना सीवियर प्लेन क्रैश होने के बाद भी सारे लोग जब मर जाते हैं फिर भी ब्लैक बॉक्स को कुछ नहीं होता है तो ज़रा देखते हैं कैसे एक तो ब्लैक बॉक्स इज स्टोर्ड इनसाइड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटांस या बॉक्स मेड अप ऑफ स्टील और टाइटेनियम दैट इज़ प्रोटेक्टेड इवन फ्रॉम हीट कोल्ड और वेटनेस तो चाहे कितना भी कितनी आग लग जाए कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए या कुछ भी हो जाए या पानी में गिर जाए फिर भी ब्लैक बॉक्स इंटैक्ट रहता है उसके अंदर का मेमोरी चिप खराब नहीं होता उसके अलावा ब्लैक बॉक्स को हमेशा टेल एंड ऑफ द प्लेन में रखा जाता है पीछे वाला साइड में रखा जाता है इस साइड में देखो दिस इज टेल एंड ऑफ ए प्लेन वेयर ब्लैक बॉक्स इसकेप्ड क्योंकि नॉर्मली जब प्लेन का एक्सीडेंट होता है जो क्रैश होता है उसका इंपैक्ट फ्रंट साइड पर ज़्यादा होता है तो उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ब्लैक बॉक्स इज ऑलवेज पुट ऑन द टेल एंड फिल्म में सीधा सीधा आपसे पूछ देगा कि ब्लैक बॉक्स जो कि इस साल न्यूज में है ब्लैक बॉक्स इज जनरली केप्ट अलॉन्ग पायलट्स एट द फ्रंट एंड दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग और तीसरा इस ब्लैक बॉक्स के अंदर देखो एक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजने वाला चिप भी लगा रहता है जो मान लो कभी ये ब्लैक बॉक्स ओशन के अंदर प्लेन क्रैश हो गया और ओशन के फ्लोर पे जाकर के ब्लैक बॉक्स गिर गया फिर भी ये ब्लैक बॉक्स तीस दिनों तक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजता रहता है जिसको कैच करके हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जाकर के इस ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर सकती है तो इस तरीके से ब्लैक बॉक्स काम करता है इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे एक सिंपल सा सवाल पीटी में सीधा सीधा आ जाएगा द टर्म ब्लैक बॉक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज अ न्यू काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर मटीरियल इट इज हाईली इक्विप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस इट इज फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर सिस्टम इट इज एन इक्विपमेंट टू रिमूव ब्लैक कार्बन फ्रॉम एटमोसफेयर नो यू नो द आंसर क्या है आंसर इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फिर भी आप इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असाम सेगमेंट इट इज अबाउट एंटीक क्वाइंस एंड ज्वेलरीज दैट है इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर सिक्स असाम हिस्ट्री एंड आसाम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले न्यूज आर्टिकल समझते हैं तो देखो कुछ एंटीक क्वाइंस और एंटीक ज्वेलरीज मिली हैं फ्रॉम आम गुरी विलेज ऑफ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल 14 इस तरह के लार्ज या स्मॉल साइज के टोटल 14 कॉइंस मिले हैं और कुछ एक ज्वेलरीज भी मिली हैं इस तरह की इन क्वाइंस पे जो चीज़ें इंस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं दे आर रिटेन आइदर इन पर्सियन स्क्रिप्ट और इन देवनागरी स्क्रिप्ट दो बैंगल्स मिले इस तरह के आप देखो दो बैंगल्स हैं मेड अप ऑफ सिल्वर हैव बिन आल्सो फाइंड तो 14 कॉइंस एंड टू बैंगल्स एंड दीज कॉइंस एंड बैंगल्स दे आर बिलीव टू बी ऑफ एटीन सेंचुरी अहोम पीरियड इन आसाम ओवरऑल उस टाइम में सेंट्रल इंडिया में नॉर्थ इंडिया में मुगल्स का रूल था आसाम में उस टाइम में अहोम्स का रूल था एटीन सेंचुरी के ये कॉइंस और बैंगल्स हैं आपको एक बात याद होगा हमने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर किया था कि इसी तरह के ऑक्टेंगुलर मतलब आर्ट साइड वाले क्वाइंस मिले थे ऑफ मिड एटीन सेंचुरी ऑफ अहोम किंग राजेश्वर सिंघा इन नवंबर 2019 इन लखीमपुर उसको भी मैंने अपने न्यूज़ पेपर एनालिसिस में कवर किया था तो एक बात तो तय है कि लखीमपुर से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हमें मिल रहे हैं जिससे हमारे अहोम किंगडम्स के बारे में और जानकारी मिल सके इन क्वाइंस के बारे में और ज़रा देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन नित्यानंद गोगोई फोर क्वाइंस आउट ऑफ दिस फोर्टीन बिलोंग टू द पीरियड ऑफ राजेश्वर सिंह वैल फाइव क्वाइंस बिलोंग टू द पीरियड ऑफ लक्ष्मी सिंह जबकि एक सबसे इंपॉर्टेंट और नई बात यह है कि टू क्वाइंस फाउंड इन दिस एरिया बिलोंग टू जयंतिया किंग राम सिंघा एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम अ जयंतिया किंग्स क्वाइन वेअर रिकवर्ड इन नॉर्थ आसाम तो इससे एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है कि जयंतिया किंगडम से नॉर्थ आसाम के बीच में कुछ ट्रेड होता था तभी तो वहाँ के क्वाइंस नॉर्थ आसाम में मिल रहे हैं और जो लैंग्वेज यूज किए गए हैं इन क्वाइंस के ऊपर लिखने के लिए दे आर आइदर संस्कृत और पर्सियन एंड द कोइन्सू वेयर मेनली ऑफ वन रुपी फिफ्टी पैसा जिसको आधाली कहते हैं ट्वेंटी फाइव पैसा जिसको सिक ही कहते हैं आई होप आपको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बीच का अंतर पता ही होगा हो सकता है मेंस में पूछ ले मैंने ब्रीफली यहाँ नीचे लिख करके दे दिया लैंग्वेज इज अ मेथड थ्रू वी विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स मेथड ऑफ कम्युनिकेशन उसको हम लैंग्वेज कहते हैं जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं दैट इज लैंग्वेज द मोमेंट आई स्टार्ट राइटिंग जैसे ये मैं स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ और अगर लिख करके मैं आपसे कॉम्युनिकेट करूँ देन दैट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज कॉम्युनिकेशन थ्रू स्क्रिप्ट अब सिग्निफिकेंस देखते हैं इन दो क्वाइंस का और इन बैंगल्स का तो देखो द यूज ऑफ पर्सियन लैंग्वेज इन अहोम हेरा कोइंस ये क्वाइंस हमें मिले हैं लखीमपुर में और इस पर लिखा हुआ है पर्सियन लैंग्वेज इसका मतलब यह है कि दीज क्वाइंस बिलोंग टू द मुगल्स इससे ये एक बात तो कम से कम तय हो गई कि मुगल्स हैड ए गुड ट्रेड रिलेशन विथ अहोम्स सो दीज कॉइंस यू आर परहैप्स यूज फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन विद द मुगल अम्पायर दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट आउटकम और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्कवरी In our segment prelims related factual information, today we will see two important facts. First one is, Girish Chad Murmu has assumed the office of new CAG of India. G.C. Murmu takes charge as new CAG, while Jubin Garg will work as a brand ambassador of Assam's agriculture sector. That's all from our side for today. Thanks for watching.